तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बैठ गए? हाँ हाँ। तो अभी मैं फाइनली मीटिंग शुरू करता हूँ। एक मिनट हम लोग रह गए हैं। सॉरी हाँ लेट हो गया। आजा फैमिली में से कोई ना कोई लेट होता ही। बराबर है। सुनो बेटा, कैसे लेट हो गया आज इतना? हम वो नवरात्रि के डेकोरेशन का डिस्कशन कर रहे थे। हाँ हाँ, ठीक है सुनो, कोई बात नहीं, चलो। आता तो सगड़ा ठीक है जसनार ना। चलो शुरू करते हैं। मैं आत्मराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एक म्यूजिक सेक्रेटरी, आज की इस मीटिंग में सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की मीटिंग का विषय है नवरात्रि। जैसा कि आप जानते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में हर साल नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, मैं चाहता हूं कि इस बार भी हमारी नवरात्रि स्पेशल हो। अरे भाई, ये क्या बात हुई भिड़े? हर साल गोकुलधाम में नवरात्रि होती है, उसी तरह इस साल भी नवरात्रि होगी, और हर साल की तरह गोकुलधाम की नवरात्रि स्पेशल ही होती है, तो इस साल भी स्पेशल ही होगी। उसके लिए मीटिंग बुला के सबका टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? बराबर ना छोटे? एकदम बराबर। हाँ भिड़े, तुझे हर बात में मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेंबर सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े बोलने की आदत पड़ गई है। छोटी छोटी बात है तो नोटिस बोर्ड पे लिख देने का। अरे बोलना शुरू नहीं किया तेरी, मैं आज की मीटिंग कैंसिल। चलो मतलब कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो तुम दोनों? एक तो बेचारा सोसाइटी के काम को अपना काम समझ के इतनी मेहनत कर रहा है, और तुम दोनों कब से उसे खरी खोटी सुना रहे हो? नहीं तक है, और इस काम का मुझे पगार नहीं मिलता है। ओहो, अच्छा अभी समझ में आया बापूजी, है ना, पगार चाहिए इसे। नहीं भाई, खोटी बात मत करो, मारे का ही पगार मत जो तू। अरे लेकिन अभी तुमने ही बोला ना, मुझे इस काम का पगार नहीं मिलता है। भिड़े, ये ऑनररी काम है, इसका पगार नहीं मिलता भाई, हम लोग भी कर ही रहे हैं ना। अरे पोपटलाल, अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा भाई। ए विली मास्टर, तू मीटिंग शुरू कर। देखिए, मुझे यहाँ पे किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस नवरात्रि में सोसाइटी के लिए एक जरूरी निर्णय लेना है, इसके लिए मैंने आज मीटिंग बुलाई। अच्छा, अब क्या निर्णय लेना है भाई, वो बताओ ना। बता रहा हूँ भाई, उसी पे आ रहा हूँ मैं। देखिए, हर साल हम लोग नवरात्रि में साउंड सिस्टम और स्पीकर्स भाड़े से लाते हैं। सही बात है। तो मेरा यह कहना है कि इस बार हम लोग साउंड सिस्टम और स्पीकर्स खरीद लेते हैं। क्या है, सोसाइटी के पास अच्छा फंड है, तो मेरा यह मानना है कि सोसाइटी की तरफ से 1,00,000 रुपए हम लोग साउंड सिस्टम और स्पीकर्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है? ओ साउंड सिस्टम और स्पीकर खरीदने थे तो खरीद लेने थे, मीटिंग बुलाकर हम सबको पूछने की क्या जरूरत थी? नहीं जेठा ब्रा? नहीं, सोडी, पूछना तो बनता है। क्या है कि इतना बड़ा निर्णय वो अकेले नहीं ले सकता है, तो सबको पूछना तो बनता है। और क्या है सोडी, कि ये जो हम लोग साउंड सिस्टम और स्पीकर खरीद रहे हैं, मैं अपने घर के लिए नहीं खरीद रहा हूँ, सोसाइटी के लिए खरीद रहा हूँ। इसलिए अगर मैं अकेला निर्णय ले लेता तो पोपटलाल जैसे लोग मेरी जान खा जाते। ओ भाई भिड़े, तू मेरा नाम क्यों ले रहे हो भाई? मैंने कुछ बोला भी नहीं है। तुमने अभी कुछ नहीं बोला पोपटला, लेकिन तुम बातें मुझे सुनाते, मैं इसलिए बोल रहा था भाई। देखिए, मैं कोई भी निर्णय ना लोकतांत्रिक तरीके से लेना चाहता हूँ, ठीक है? तो बोलिए, आपका क्या कहना है? बढ़िया। नहीं ठीक, एक बार ले लो, फिर नवरात्रि के हर फेस्टिवल में काम आएंगे भाई। बराबर, और हर बार साउंड सिस्टम रेंट पर लेने का झंझट भी खत्म हो जाएगा भाई। मेरा भी इस सुझाव को समर्थन है। ओ बढ़िया आइडिया है यार, मेरा भी इस सुझाव को समर्थन है। ओ खरीद ले। हाँ भिड़े का ले लीजिए। ले लो भाई। एक मिनट भाई, मेरा कहना ये है कि साउंड सिस्टम और स्पीकर्स लेने की जरूरत क्या है? ओपो, और साउंड सिस्टम और स्पीकर नहीं होंगे तो म्यूजिक हवा में से बचेगा। मेरे कहने का मतलब यह था सोडी, के साउंड सिस्टम और स्पीकर और कहीं से लेने की जरूरत क्या है? वो और कहीं अंदर रह गया, बाहर नहीं निकला, उसके लिए सॉरी। क्या है कि हमारे
जेठालाल चंपकलाल गड़ाजी जो हैं, उनकी खुद की दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो और इस विषय पर उनको समझ भी बहुत है। तो साउंड सिस्टम और स्पीकर खरीदने की जिम्मेदारी हमें उनको ही देनी चाहिए। क्या कहते हो जेठालाल, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो पोपटलाल तुम। और कहना पड़ेगा कि जिंदगी में पहली बार तुमने कुछ ऐसा बोला है कि मुझे तुम पे गर्व हो रहा है। जेठालाल मजाक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरी सोसाइटी से एक दरख्वास्त है कि मैं मेरे बापूजी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा की ओर से सोसाइटी को साउंड सिस्टम और स्पीकर गिफ्ट देना चाहता हूँ। एक मिनट, मेरे को भी कुछ कहना है। आत्माराम, मैं क्या बोलता हूँ कि सोसाइटी के पास जब फंड है तो फिर किसी का ऑब्लिगेशन लेने का क्या जरूरत है? क्या नहीं लेना चाहिए? ऑब्लिगेशन नहीं लेना चाहिए, मतलब एहसान या उपकार नहीं लेना चाहिए। उपकार? तू एक काम कर, दुकान से साउंड सिस्टम और स्पीकर मंगवा ले। और भाई बिल्ली मास्टर, देख सबको पसंद आए ना तो तू सोसाइटी का जो भी बजट है ना उतने पैसे तू जेठिया को दे देना। ये ठीक है ना? ये ठीक है। लेकिन बापूजी, यार भाई, ठीक है भाई, तो सोसाइटी के लिए साउंड सिस्टम और स्पीकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से आ जाएंगे। क्या एक मिनट, वो साउंड सिस्टम और स्पीकर अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। अय्यर भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सब अच्छी चीजें ही रखते हैं, एक भी चीज आपको उतरती कक्षा की नहीं मिलेगी। इसलिए मेहरबानी करके आइंदा प्लीज आप ऐसा डाउट मत करना अविदा जी। अरे मैं तो ऐसा ही बोला। भिड़े भाई, नवरात्रि के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है। अरे बबीता जी, रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? हुकुम कीजिए। एक मिनट जेठालाल, बबीता को बोलने तो दो। वो एक्चुअली फॉरेन से मिरर अय्यर के कुछ फ्रेंड्स आए हैं, तो अगर आप सबकी परमिशन हो तो मैं उन्हें हमारी नवरात्रि देखने के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। अरे उसमें रिक्वेस्ट क्या करनी है बबीता जी, दे आर मोस्ट वेलकम। गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से उनको हार्दिक निमंत्रण है। एक बात पूछूं, इस बार अपने साथ नवरात्रि में दया भाभी नहीं है तो कहीं आपका उत्साह तो गरबा खेलने का कम नहीं हो जाएगा ना? वैसे भी जेठा जी, अगर आपका उत्साह कम भी हो गया ना तो आपका ये गोकुलधाम का परिवार आपको दया भाभी की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देगा। थैंक यू बबीता जी, अंजलि भाभी थैंक यू। देखिए क्या है, इस बार मैंने दया को बोला है कि देख दया, हम दोनों नवरात्रि में एक दूसरे को याद ही नहीं करेंगे। क्या है कि तो ही हम दोनों अपनी अपनी जगह नवरात्रि का लुप्त उठा पाएंगे ना। पर ना क्या, एक दूसरे को याद करेंगे तो थोड़ा तो दुख तो होगा ही। इससे अच्छा मैंने उसको बोला, भाई तू आराम से मजे से अहमदाबाद में नवरात्रि मना, मुझे बिल्कुल याद मत करना। और उसको अच्छा लगे इसलिए मैंने भी बोल दिया, मैं भी तुझे इधर याद नहीं करूंगा। That's the spirit, जेठा भाई, keep it up. वैसे हर बार की तरह ऑर्केस्ट्रा पार्टी आने वाली है ना इस बार भी? अरे हाँ टप्पू, ऑर्केस्ट्रा पार्टी का क्या है भाई? हाँ बिड़ेगा, आप चिंता मत कीजिए, हर बार की तरह नवरात्रि में धमाकेदार ऑर्केस्ट्रा और सिंगर्स लाने की जिम्मेदारी हमारी है। और भिड़े भाई, हर बार की तरह इस बार भी डेकोरेशन की जिम्मेदारी मेरी, टप्पू सेना के साथ मिलकर A1 डेकोरेशन करूंगा। ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि इस साल भी हम लोग नवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे। टप्पू सेना, ऑर्केस्ट्रा की जिम्मेदारी तुम लोग की होगी। ठीक है,
अब्दुल डेकोरेशन की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और जेठालाल साउंड सिस्टम और स्पीकर लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अच्छा ये भाई वो आपके वो फॉरेन के दोस्तों को बुला लेना। ओके, ओके। और टपो से ना तुम लोग भी अपने दोस्तों को बुला लेना चाहिए तो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी। चलो खत्म हो गया भाई। ए ए भाई ए खत्म का हुआ है? मैंने बोला नहीं अभी तक। वही ना अभी आत्माराम तुकाराम अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट पूरा नहीं हुआ। बैठो बैठो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि आज की मीटिंग यही समाप्त होती है। बोल अम्मे माता की। वैसे जेठिया तूने ये सोसाइटी को स्पीकर देने की बात करके बहुत अच्छा किया। थैंक यू बाबूजी। लेकिन अय्यर भाई देखे ना पता नहीं उनका क्या तकलीफ हो गई। बोलने लगे नहीं नहीं फ्री में नहीं ले सकते। अरे क्यों नहीं ले सकते भाई, सोसाइटी का तो फायदा ही हो रहा था ना बाबूजी। बोलने लगे हंसते अंदर आ सकते हो बबीता जी। बबीता जी आइए 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 अय्यर भाई आइए आप भी आइए। हेलो हाय आओ बैठो। नहीं नहीं चाचा जी हम लोग थोड़ा जल्दी में हैं, बस संदेश देने आए हैं। किसका संदेश देने आए? कौन है वो बदतमीज जो खुद फोन करने के बजाय अपना संदेश देने के लिए आपको तबलीग दे? अरे जेठालाल वो मैं देने वाला संदेश नहीं, ये खाने वाला संदेश। अच्छा वो बंगाली मिठाई जी। अरे यार भाई आप 2400 घंटे बबीता जी के साथ रहते हैं फिर भी आपको पता नहीं है वो संदेश नहीं उसको सौंदेश बोलते हैं। सौंदेश नहीं बबीता जी? यस यस यू आर एब्सोल्युटली राइट सौंदेश। वाह 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 बबीता जी मान गए आप। बापू जी जब भी इनके कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार कोलकाता से आते हैं ना तो बिना भूले हमारे लिए सौंदेश मंगाते ही है। अरे इट्स ओके नॉट ए प्रॉब्लम। वाह बबीता जी थैंक यू। और आपको पता है ये संदेश मुझे तो पसंद है ही लेकिन बापू जी को भी बहुत पसंद है। हाँ हाँ लेकिन मेरे हिस्से में तो एक दो ही आते हैं बाकी सब तो ये जेठिया ही खा जाते हैं। रियली? ठीक है तो मैं नेक्स्ट टाइम ज्यादा लेके आऊंगी। नहीं बेटा मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे स्वीट तो दे दो ये लीजिए। अय्यर भाई मन नहीं लग रहा है देने का। हम चलिए अभी। जेठालाल तुम्हारा दुकान से जो स्पीकर आने वाले हैं ना वो जरा अच्छा क्वालिटी का लेकर आना। क्या फॉरेन से गेस्ट आने वाले हैं नवरात्रि खेलने के लिए। अरे बताया अय्यर भाई अभी मीटिंग में बताया आपने। बबीता जी हमारा देश आजाद हुआ उसको 70 साल हो गए लेकिन अय्यर भाई का वलन अभी भी गुलामों जैसा ही है। इतना क्या डरते हैं आप अंग्रेजों से? अरे डरता कौन है जेठालाल, वो लोग हमारे गेस्ट है और स्पेशली नवरात्रि सेलिब्रेट करने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी में आ रहे हैं तो कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होगी अय्यर भाई, मैंने बोला ना हमारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम A1 चीज रखते हैं। आप टेंशन मत लो, मैं तो कहता हूँ दूसरे गेस्टों को भी बुलाना तो उनको भी बुला लो। अरे भाई अय्यर तुम्हारे मेहमान पूरे गोकुलधाम के मेहमान है। तुम्हारे मेहमानों को गोकुलधाम की नवरात्रि में बहुत मजा आएगा, चिंता मत करो। क्या हो गया बापू जी? देखिए ना अभी भी स्पीकर को लेके उनके मन में शंका चल रही है। बदानी प्रकृति सरकी न हो लेकिन जेठिया तू स्पीकर का जरा देख। बापू जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने तो सोच भी लिया है कि सोसाइटी के लिए कौन सी कंपनी का स्पीकर मंगाना है। कल दुकान जाते ही सबसे पहला काम स्पीकर का करूंगा। ये देखिए सेठ जी ये देखिए है ना, आपने जैसा कहा था वैसा ही है। जो लेटेस्ट माल आया है सेठ जी उसमें से ये एकदम बेस्ट स्पीकर है। इसका साउंड इतना पावरफुल इतना क्लियर है कि वहां खड़ा हर इंसान गरबा खेलने के लिए मजबूर हो जाएगा। चेक किया तो ना? हाँ सेठ जी दो बार। तो मुझे भी जरा चालू करके बता। एक मिनट सेठ जी। हाँ
जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो सिद्ध जी, इस स्पीकर को लॉक कर दिया जाए, पैक कर दिया जाए। हाँ, इसको पैक कर दो और शाम को दोनों इसको साथ में लेके गोकुलधाम सोसाइटी में टाइम पे पहुंच जाना, लेट मत करना। हाँ सेठ जी, पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं डिलीवरी करके थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगा तो चलेगा? वो मैंने आपको कल कहा था ना, मैं बावरी जी के साथ बोरीवली में गरबा खेलने जाने वाला हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन भाई इसका सब कनेक्शन बनेक्शन बराबर करके जाना। हाँ हाँ सेठ जी। सेठ जी देखना, इस स्पीकर से इस बार गोकुलधाम की नवरात्रि में 4 चांद लग जाएंगे। आप अभी से मेंटली नवरात्रि की तैयारी चालू कर दीजिए। बोलो श्री अम्बे मात की जय। ओ हो, आपको गरबा करने में मजा आ जाएगा, एकदम जमा देने का। धमाल, ऑल द बेस्ट। यस गुड, सब बढ़िया है ना? अरे सब बढ़िया, एकदम मस्त डेकोरेशन है तुम्हें। बढ़िया। हाँ हाँ, अब्दुल टप्पू सेना, सच में बहुत मस्त डेकोरेशन है। हैप्पी नवरात्रि दादाजी। हाँ हैप्पी नवरात्रि दादाजी। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि अब्दुल। हाँ हैप्पी नवरात्रि। वाह वाह दादाजी, आप तो बहुत ही जच रहे हैं नवरात्रि के कपड़ों में। अरे टप्पू बेटा, जच तो हमारी सोसाइटी रही है इस सजावट में। अरे ये सजावट देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं राधा और श्याम यहाँ रास खेलने वाले। थैंक यू दादाजी, थैंक यू, थैंक यू दादाजी, दादाजी। अच्छा वो नटू और भागा है कि नहीं? स्पीकर वो लोग आने वाले हैं ना? हाँ चाचा जी, थोड़ी देर पहले मैंने फोन किया था, बस आते ही होंगे। तू फिर से फोन लगा और पूछ कहाँ पहुँचे। हाँ हाँ करता हूँ, लगते आ गए। हमारी तरफ से सबको हैप्पी नवरात्रि। हाँ हाँ नटू, हैप्पी नवरात्रि। सेम टू यू। वाह, आप सब लोग इस नवरात्रि के कपड़े में एकदम SMS लग रहे हैं। क्या SMS? स्मार्ट, मस्त और एकदम सुंदर। थैंक यू बागा भाई। अच्छा वैसे आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? सॉरी सॉरी टप्पू सेठ जी, वो रास्ते में इतना ट्रैफिक था और बीच में इतने बड़े बड़े गड्ढे आ रहे थे कि मैं और नट्टू काका दोनों ऐसे गड्ढे में हिल रहे थे, इतने हिल रहे थे कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम दोनों का मसाज हो गया। अरे बापूजी, समझ में नहीं आ रहा था कि खुद को संभाले कि स्पीकर को। फिर भी हमने खुद से ज्यादा स्पीकर को संभाला है। अरे ये दो गड्ढे तो इतने बड़े थे कि मैं, बागा और स्पीकर तीनों गिर जाते, लेकिन माता जी ने बचा दिया। अभी जल्दी से स्पीकर उतारो और वायर जोड़ दो, अभी सब लोग आते ही होंगे। आइए भाई, स्पीकर निकालने में मदद कीजिए, आइए। चलो अच्छा हुआ स्पीकर टाइम पे आ गया, लाइए मैं इसका कनेक्शन अब भी कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो हम लोग कर लेंगे। थैंक यू भाई। अच्छा नट्टू काका, मैं निकलूं, बावरी जी वहाँ आ गए होंगे और मेरा इंतजार कर रहे होंगे, आप जरा सेठ जी को बता देंगे प्लीज? हाँ हाँ बेटा जा, एंजॉय गरबा। थैंक यू नट्टू काका, संभल के जा। नौ तिथि, नौ नक्षत्र, नौ शक्ति की नवधा भक्ति का पर्व, डांडिया रास गरबे का उत्सव नवरात्रि गोकुलधाम में प्रारंभ होने जा रहा है। गोकुलधाम निवासियों के साथ साथ अय्यर और बबीता के विदेश से आए हुए मेहमान भी इस उत्सव का आनंद उठाएंगे और इस बार गरबा बजेगा जेठालाल के लाए गए स्पीकर्स में। सब कुछ कितना अच्छा, लेकिन मित्रों सब कुछ बहुत आसानी से हो जाए वो दुनिया में कोई दूसरी जगह हो सकती है, गोकुलधाम नहीं। तो डांडिया और रास की धमाल के साथ यहाँ क्या बवाल मचता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, देखने के लिए आपको सोमवार तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए कल ही यानी कि शनिवार की रात हम देखे आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक विशेष एपिसोड रात ठीक 8:30 बजे, यानी शनिवार को भी देखेंगे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस शनिवार यानी कि कल रात 8:30 बजे। और यहाँ डांडिया और रास के साथ कितनी धमाल, कितनी मस्ती होती है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.